इंडियन प्रीमियर लीग के 14 संस्करण यानी कि वीवो आईपीएल 2021 में फिलहाल तो चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच टेबल टॉपर की लड़ाई हो रही है। कल रात तक तो जहां चेन्नई सुपर किंग्स नंबर एक से खिसक कर नंबर दो पर आ गए थे, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने कल रात को दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हरा दिया था एक रन से। और उसके साथ ही आरसीबी जहां तीसरे स्थान पर थी सीधे जाकर नंबर वन पर पहुंच गई थी। अभी एक दिन भी सही से नहीं हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आज आईपीएल के मैच नंबर 23 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 7 विकेट से बड़े अंतर से हराकर एक बार फिर से अपनी जगह अंग तालिका में नंबर वन पर और आरसीबी की टीम एक बार फिर से खिसक कर नंबर दो पर आ गई है। फिलहाल आईपीएल 2021 में अगर किसी भी टीम का सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है तो वो रही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जो लगातार पिछले 5 मुकाबले जबरदस्त तरीके से जीते हैं। पहले मैच में इस टीम को हार मिली थी, उसके बाद अब तक एक भी मैच में सीएसके की टीम को हार नहीं मिली है। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी की टीम का भी प्रदर्शन अब तक वीवो आईपीएल 2021 में काफी शानदार काफी जबरदस्त रहा है। आरसीबी की टीम अब तक मात्र एक ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है और बाकी बचे सभी 5 के 5 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने जीते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं सबसे पहले पॉइंट्स टेबल के बारे में कि क्या है समीकरण, अंक तालिका की कौन सी टीम कहां पर मौजूद है। इसके अलावा लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी 4 टीम होंगी जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है और वो कौन सी 4 टीम होंगी जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। लेकिन उससे पहले सभी व्यूअर्स को बता दूं कि ये हमारा सेकंड चैनल है क्रिकेट रफी, क्रिकेट सुपर फैन जो ऑफिशियल चैनल है, 1.6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। उस पर फिलहाल एक फेक स्ट्राइक पड़ी हुई है जिसके चलते एक हफ्ते के लिए वहां पर अपलोडिंग बंद कर दी गई है, वहां पर कुछ भी नहीं डाल सकता। इस वजह से यहां पर सब कुछ आपको अपडेट्स दे रहा हूं और अब यहां पर आपको लगातार अपडेट्स मिलेंगी। जैसे ही क्रिकेट सुपर फैंस पर सब कुछ ठीक हो जाता है तो वहां पर भी आपको अपडेट्स दी जाएगी लगातार पहले की तरह। तो फिलहाल क्रिकेट सुपर फैंस के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो वीवो आईपीएल 2021 में अब तक टोटल 23 मुकाबले खेले जा चुके हैं, तो कुछ इस तरह से 23 मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल। नंबर एक पर चेन्नई सुपर किंग्स, 6 मैच के लिए 5 में जीत, मात्र 1 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इनका पॉइंट है 10, नेट रन रेट है +1.47। एक मजबूत नेट रन रेट के साथ नंबर 1 पर है सीएसके, नंबर 2 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, 6 मैच के लिए 5 में जीत 1 में हार, 10 अंक है, +0.08 इनका नेट रन रेट है। दरअसल आरसीबी और चेन्नई दोनों ही टीमों का पॉइंट्स बराबर है, लेकिन चेन्नई का नेट रन रेट थोड़ा बेहतर है आरसीबी से, इस वजह से चेन्नई नंबर 1 पर और आरसीबी नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर दिल्ली कैपिटल्स, 6 मैच के लिए 4 में जीत 2 में हार, 8 अंक है, +0.26 इनका नेट रन रेट है। नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस, 5 मैच के लिए 2 में जीत 3 में हार, 4 अंक है, -0.032 इनका नेट रन रेट है। जबकि नंबर 5 पर केकेआर, 6 मैच के लिए 2 में जीत 4 में हार, 4 अंक है, -0.305 इनका नेट रन रेट है। जबकि नंबर 6 पर पंजाब किंग्स, 6 मैच के लिए 2 में जीत 4 में हार, 4 अंक है, -0.608 इनका नेट रन रेट है। जबकि नंबर 7 पर राजस्थान रॉयल्स, 5 मैच के लिए 2 में जीत 3 में हार, 4 अंक है, -0.681 इनका नेट रन रेट है। जबकि नंबर 8 पर सनराइजर्स हैदराबाद, 6 मैच के लिए मात्र 1 मैच में जीत मिली है, 5 मुकाबलों में हार, 2 अंक है, -0.264 इनका नेट रन रेट है। तो गाइस सिरा फिलहाल आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, जहां पर चेन्नई और आरसीबी ये दो टीम सबसे मजबूत स्थिति पर मौजूद है। तो बात करते हैं प्लेऑफ के बारे में कि आखिर वो कौन सी 4 टीमें हो सकती है जो प्लेऑफ में पहुंचेंगी। तो आपको बता दें कि इस बार आईपीएल 2021 के ग्रुप स्टेज यानी कि लीग स्टेज में आईपीएल की सभी 8 टीमों को टोटल 14 मुकाबले खेलने हैं और आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह 100% कंफर्म करने के लिए, पक्के करने के लिए अपने 14 मैचों में से उन्हें 8 मुकाबले जीतने होंगे, यानी कि 16 अंक चाहिए। अब ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के टोटल अब 8-8 मुकाबले बचे हैं और इन्हें अपनी जगह 100% कंफर्म करने के लिए प्लेऑफ में बाकी बचे 8 मैचों में से 3-3 मुकाबले और जीतने, अगर 2-2 मैचेस भी जीत जाती है तब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, लेकिन यहां पर दूसरी टीम पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि आरसीबी और चेन्नई की जगह आईपीएल 2021 के प्लेऑफ में लगभग 100% पक्की हो चुकी है। अब अगर हम बात करें उस टीम के बारे में जो इस बार आईपीएल के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी, तो गाइस यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 6 मैचेस खेले, मात्र अब तक एक ही मैच में जीत मिली है, तो इनके टोटल अब 8 मुकाबले और बचे हैं और आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह 100% कंफर्म करने के लिए बाकी बचे 8 मुकाबलों में से 7 मुकाबले बैक टू बैक जीतने होंगे, जो ये किसी भी टीम के लिए काफी मुश्किल होता है। अगर कम से कम 8 मैचों में से 6 मुकाबले भी जीत जाती है तब भी प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी, लेकिन दूसरी टीम पर डिपेंड रहना पड़ेगा।
जाएगा, तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए काम काफी मुश्किल है। आप मान के चल सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस बार आईपीएल के प्ले ऑफ में नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि कुछ भी चमत्कार हो सकता है, ये आईपीएल है, कब कौन पलटवार करेगा किसी को नहीं पता होता है। तो वही दिल्ली कैपिटल्स एक मजबूत स्थिति में मौजूद है, जबकि मुंबई, कोलकाता, पंजाब, राजस्थान रॉयल्स ये सभी टीम फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में पूरी तरह से बनी हुई है। तो गाइस ये रहा आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल और प्ले ऑफ के बारे में कुछ अहम जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।